बकरी के विवाद मामले में खंती से वार कर हत्या मामले में सहोदर भाई भाभी भतीजा सहित अन्य दोषी को उम्र कैद की सजा। सोमवार को रोसड़ा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय दिवेश कुमार की अदालत ने मई 2019 में हुए रोसड़ा थाना क्षेत्र के हिरमिया गांव में बकरी को लेकर हुए विवाद में एक युवक की पीट पीट कर हत्या मामले में दोषी ठहराए गए चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने रोसड़ा थाना क्षेत्र के हिरमिया निवासी मोहम्मद रज्जाक व उसकी पत्नी अख्तरी खातून तथा उसका बेटा मोहम्मद जलील व मोहम्मद साहेब को धारा 302/34 में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही 307/34 में 10 साल सश्रम कारावास, धारा 324/34 में 1 साल, 323/34 में 6 माह व 341/34 में 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। वही सभी आरोपियों को 5,000 व 3,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राजकुमार व बचाव पक्ष से शेख चन्नू ने अपना अपना विचार रखा। बता दें कि 12 मई 2019 को मृतक के घर पर बकरी चले जाने के कारण मना करने पर आपसी विवाद हुई थी, जिसमें आरोपियों ने मोहम्मद वकील की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इधर फैसले के बाद मृतक मोहम्मद वकील की पत्नी ने न्यायालय की खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि आज उनका पति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज आरोपियों को सजा मिला, जिससे उनके परिवार को आज इंसाफ मिल गया है। पत्नी ने बताया कि पति की हत्या से पहले वह अपने सभी बच्चों के साथ मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण किया करते थे। क्या घटना घटी थी? बोले ने बकरी पालने के लिए इसी पर मारपीट किया, उसके बाद जैसे पति का बचाने के लिए उसको खंडी से किया। आज फैसला आया है, इसको लेकर कितना खुशी महसूस? सर कुछ पति तो मेरा आपस में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी महसूस है वो भी तो जेल काटेगा, उसी में मेरा सफर में। कितने बच्चे थे? कैसे परिवार का भरण पोषण करती थी? मजदूरी करके जो काम मिलता, बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं। इस न्यूज के प्रस्तुतकर्ता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी टाइम न्यूज़पेपर दरभंगा।